पड़ोसियों ने पुलिस बुलवा ली, गर्लफ्रेंड घर आने वाली थी, तो मैंने उसके स्वागत में चारों तरफ मोमबत्तियां लगाई। पड़ोसियों ने कहा काला जादू कर रहे हैं बैठ के। अच्छा, अमेरिका में कोई जाएगा और बीमार हो जाता, लोग मिलने जाते क्या कहते हैं गेट वेल सून। हिंदुस्तान में कोई बीमार है, हमारे फूफा जी भी इसी बीमारी से मरे थे। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देश में, देश के बाहर, स्टूडियो में, स्टूडियो के बाहर, कैमरे के इस पार, कैमरे के उस पार, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आप ही के प्यार और आप ही के मोहब्बत की वजह से हम इस कार्यक्रम के मंच पर खड़े हैं, जिसका नाम है वाह भाई वाह। और वाह भाई वाह जिंदगी में कहने के मौके आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए भाई? वाह भाई वाह कहने के मौके आने, कोई अच्छा काम करे तो जरूर कहिए। लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हमारी समस्या ये है कि लोग अप्रिशिएट करते हुए घबराते हैं, तारीफ नहीं करते, उसे लगता है तारीफ करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, तो वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी समस्या ये है कि जैसे ही कोई आगे बढ़ता है हमें तकलीफ होने लगती है, हमें लगता है ये क्यों आगे बढ़ गया, इसे तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। ये मत सोचो कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, ये सोचो कि मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए था। जिंदगी वही बढ़ा तो जिंदगी में क्या है, जहां भी जाएंगे लोग कहेंगे आगे बढ़ो, निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए कई बार जिंदगी में क्या होता है ना, होता वो है जो नहीं होना चाहिए, और जो हो जाता है वो समझते कुछ और हो रहा है, लेकिन होता कुछ और है। जैसे एक लड़का रोते मेरे पास आया, शांत रहे, हुआ क्या है? पड़ोसियों ने पुलिस बुलवा ली रात को कल। अगर पुलिस बुलवा ली, तूने ऐसा क्या किया? मैं तो कुछ नहीं किया, गर्लफ्रेंड घर आने वाली थी, तो मैंने उसके स्वागत में चारों तरफ मोमबत्तियां लगाई। पड़ोसियों ने कहा काला जादू कर रहे हैं बैठ के। होता कुछ और है। जैसे एक आदमी डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बाकी सब दवाई तो मिल गई जो आपने पर्ची के पीछे मिली, ये तो कहीं मिल नहीं रही, सारे शहर में ढूंढ ली, एक भी दुकान पे नहीं है, क्या दवाई है? मैं दवाई नहीं, मैं तो पेन चला के देख रहा था पहले कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उनकी हैंड राइटिंग को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, और जो समझ जाता है वो बड़ी दिक्कत में आ जाता है। जिंदगी में हमारे देश में समझाने के तरीके भी अलग है। जैसे आप दूसरे देशों में जाए, डॉक्टर से मुझे अचानक ध्यान आया कोई बीमार हो जाए, जैसे अमेरिका में कोई जाएगा और बीमार हो जाए, लोग मिलने जाते क्या कहते हैं गेट वेल सून, मतलब आप जल्दी से अच्छे हो जाएं। किसी और देश में जाएंगे, ओ आई प्रे टू गॉड फॉर द स्पीडी रिकवरी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से स्वस्थ हों। हिंदुस्तान में कोई बीमार हो, हमारे फूफा जी भी इसी बीमारी से मरे थे। ये कोई तरीका है? लेकिन हम हिंदुस्तानी है ना, ऐसे ही करते। जैसे एक लड़का रात को घर में लेट आया, बहुत लेट आया, माने कहाँ गया था, अब घबराने लग गया, सच बोलना नहीं तो चप्पल पड़ेगी, और माँ की चप्पल से हर औलाद डरती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। आपके जेब में पड़े हुए लाखों रुपए हैं ना, उस वक्त उनकी कोई कीमत नहीं रहती जब माँ बाहर निकलते हुए 100 रुपए देती है कि भूख लगे तो खा लेना, वो माँ होती है। तो चप्पल पड़ेगी, डांस बार, अब एक चप्पल और निकाली, डांस बार। माँ तूने कोई ऐसी चीज तो नहीं देखी जो तुझे नहीं देखनी चाहिए थी क्या? पापा लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें देखनी चाहिए, और वो है वाह भाई वाह। वाह भाई वाह जरूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए, और आप देखते हैं सुनते हैं, क्योंकि यहां हम वो कुछ सुनाते हैं और वो कुछ दिखाते हैं, बाकी कहीं नहीं होता। इसलिए हम स्वागत करते हैं उन 3 कवियों का जो हमारे बीच में, और आज आप जिनके लिए कहेंगे वाह भाई वाह। उनमें से कानेर गांव जो ब्यावरा मध्य प्रदेश के पास है, वहां के आशीष कवि गुरु, सिहोरा मध्य प्रदेश जो जबलपुर के पास है, वहां की मणिका दुबे, और बरेली उत्तर प्रदेश के हरजीत सिंह, टुक टुक जोरदार तालियों के साथ। आइए मैं सबसे पहले उस बालक को बुलाना चाहता हूं जिसने वाह भाई वाह के मंच पे आके पहली बार में ही अपना ऐसा मुकाम बना लिया कि लोग अब कहते हैं कि भाई वो जो गांव है कानेड़, कानेड़ कौन सा? अरे भाई वो आशीष कवि गुरु वाला कानेड़, जिस गांव को इस लड़के की वजह से इतनी बड़ी पहचान मिली, तो चाहते हैं कि यहां एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए आशीष कवि गुरु के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका।
इस यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए। चार पंक्तियाँ सुनिएगा कि दूजी मेहनत का सार खाता है वो जो सबसे उधार खाता है, वो जो सबसे उधार खाता है, इश्क करके जो करता है शादी, इश्क करके जो करता है शादी, फिर वो चप्पल कुछ तो शादी के पहले भी खा रहे हैं। चार पंक्तियां और सुनिएगा कि दूरियां पल में नाप जाता हूँ, दूरियां पल में नाप जाता हूँ, सारे खतरों को भांप जाता हूँ, सारे खतरों को भांप जाता हूँ, सामने जब भी आती है छंद सुन लीजिए आप। हाँ, सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ। कि गाड़ी का चालान भला कैसे कटेगा हमारा, गाड़ी का चालान भला कैसे कटेगा हमारा, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। कि गाड़ी का चालान भला कैसे कटेगा हमारा, चाचा है विधायक उनका नाम बोल देता हूँ। वाह वाह भैया, बहुत अच्छे। कि गाड़ी का चालान भला कैसे कटेगा हमारा, चाचा है विधायक उनका नाम बोल देता हूँ। ज्यादा मैटर जब भी बढ़ाते हैं पुलिस वाले, सौ की नोट दे के बाए झाम बोल देता हूँ, इतने से मैटर जो नहीं है निपटता तो हाथ जोड़ कर राम राम बोल देता हूँ, इतने से मैटर जो नहीं है निपटता तो हाथ जोड़ कर राम राम बोल देता हूँ, काटने जो आते हैं चलान मेरी गाड़ी का तो उनको मैं फूफा जी प्रणाम। आई लव यू जो बोल कर फोन रख दिया उसका तो फोन यार बंद आया बाद में, चाहतों की गाड़ी हाईवे में दौड़ने लगी जो मन में भी उसके छछंद आया बाद में, पहले तो भाइयों से कूटे गए उसके तो बिरह में हौसला बुलंद आया बाद में, पहले तो भाइयों से कूटे गए उसके तो बिरह में हौसला बुलंद आया बाद में, सलमान सा पति जो ढूंढती थी आज तक उनको भी कलुआ पसंद आया। सलमान सा पति जो ढूंढती थी आज तक उनको भी कलुआ पसंद आया। क्या बात। घर से निकलता हूँ काव्य पाठ के लिए तो मुँह लटका के कुछ जरूर बोलती है, साथ उसके जो किसी माल पे गया तो फिर उस समय मुझे जी हुजूर बोलती है वो। क्या बात है। इश्क की जो बात करता हूँ उससे जो मैं मुझको तो यार को ही नूर बोलती है वो, खुद की बंदरिया सी शकल है उसकी या मुझको हमेशा लंगूर बोलती है, खुद की बंदरिया सी शकल है उसकी या मुझको हमेशा लंगूर बोलती है वो, दूर से ही झूम करके वो मुझे देखती है मुझको तो यार दूर भी लगती, जूम करके, क्या बात है, वाह, दूर से ही जूम करके देखती है वो, वाह, दूर से ही झूम करके वो मुझे देखती मुझको तो यार दूर भी लगती है वो, बाल खोल कर जब आती है वो छत पर सच मानो बहुत हंसी लगती है। आए, आए, क्या बात है। इश्क की बीमारी ठीक करती है रोज मेरा मुझको तो यार मेडिसिन लगती है वो, बोलती है आपकी धुलाई कर दूंगी मैं मुझको तो वाशिंग मशीन लगती है। आ, 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 आ,
बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, क्या बात है बेटा, वाह बहुत अच्छा। मणिका डर रहा है तुमसे, जरा माइक उठाओ मणिका। नहीं भयभीत नहीं है सर। पर इतना तू कोने में ऐसा बैठा देखिए, जैसे हमारे जमाने में वो जो दो शहरों के बीच में जो जीप चलती थी ना, उसमें आधा ड्राइवर हमेशा बाहर ही होता था, इतनी सवारियां लटकी रहती थी। सवारियां इतनी ज्यादा नहीं है सर। आज नहीं है तो फिर कोने में घुसा तू। मणिका क्या कहना है, पहले इतना भयभीत था, फिर इतना एकदम से उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि इतना नजदीक आके बैठ गया। ये शो के पहले मणिका दीदी बोल रहे थे, उसके बाद रुक जाओ, उसके एक घंटे बाद मणिका जी बोला उन्होंने, मणिका जी, और अब बोला हाय मणिका कैसी हो। अरे अभी खत्म तो होने दो, हाय मनु। हाँ प्यार से तो ऐसे ही होता ना, कई नाम ऐसे ही कहे जाते हैं। हमारे जमाने तो नाम का कुछ भी तोड़ मरोड़ कर लो, बस वो हो जाता था नाम, बस वो हो। आशीष है तो आशीषे, आशु, मतलब हमारे यहाँ तो सिस्टम है ना इंडिया में कि नाम आप कुछ भी कैसा भी किसी भी तरह से आप उसको घुमा सकते हैं। और इन नामों के चक्कर में हिंदुस्तान के अंदर कोयले की कमी हुई है। कैसे बता रहा हूँ कैसे, ये इन छोकरों ने कोयले ले लेके दीवारों पे अपने नाम के साथ प्लस करके उनका नाम नहीं लिखा होता तो ये कोयले की कमी नहीं होती। क्या बात है, जिंदगी में पता नहीं चल रहा उनका लिख के आते थे ना कोयले से उसके घर के बाहर, आई लव यू मंजू। अब मंजू को पता ही नहीं कौन लिख के गया और ये खुश हो रहे हैं। उस जमाने में प्यार ऐसा ही होता था, उसको पता ना चले, हमें तो पता है। मैं तेरी तरक्की की दाद देता हूं, पहले जिसमें मोहब्बत का शुरू न था वो सलीका तक आ गया, पहले जिसमें मोहब्बत का शुरू न था वो सलीका तक आ गया, शो के पहले मणिका दीदी थी और अब मणिका तक आ गया। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, होता है इस उम्र में ऐसा होता है, जब तुक तुक की उम्र थी तब उसे भी ऐसा होता था, अब तक तो तुक तुक की उम्र रही नहीं और जो बचा है अब वो क्या है वो तुक तुक ही आगे बता सकता है। जोरदार तालियों के साथ अरिजीत सिंह तुक तुक। आप उम्र की बात कर रहे थे, एक उम्र लगी है इस उम्र तक पहुंचने में। हाँ 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 हाँ, युवा पीढ़ी उम्र की बात जो तुम्हें लगा ना, एक उम्र लगी है यहाँ तक पहुंचने में। उदय प्रताप सिंह जी हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध वरिष्ठ कवि हैं, उनकी कमाल की पंक्तियां हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, वो नई पीढ़ी को कहते हैं जो पुरानी पीढ़ी को ये समझ लेते हैं ना कि इनकी उम्र चली गई ये कोई काम की नहीं है, तो उदय प्रताप सिंह जी की जो अद्भुत दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं वो कहते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैया ये ना समझे कि नदी का पानी उतर गया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो नई पीढ़ी को प्रणाम करता हूँ, सारे लोग प्रणाम कर भी रहे हैं। इन लोगों के चक्कर में मेरे को सोशल मीडिया में डिप्लोमा करना पड़ा। अच्छा डिप्लोमा किया तूने? हाँ। अच्छा सो हम सोशल मीडिया पे कर रहे थे टाइम पास, तभी अचानक अनायास हमें अपने पिताजी का प्रोफाइल दिखा। अच्छा उसके नीचे था लिखा दोहा शिरोमणि सरदार कल्याण सिंह, हमारे से ज्यादा थी उनकी फॉलोइंग। हम चकराए कि आखिर पिताजी यहाँ पे कैसे आए। हाँ। सोचते ही हमें दिन में नजर आ गए तारे, क्योंकि हमारे पिताजी हो चुके भगवान को प्यारे। बहुत बढ़िया। हमने कहा चलो करते हैं टेस्ट, हमने पिताजी को भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट। हाँ। तभी हो गया चमत्कार, पिताजी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट कर ली स्वीकार। हाँ। हमने कहा बहरूपिये कौन है तू, उधर से जवाब आया तू क्या होता है, पहले बोल आप, इधर से बोल रहा है तेरा बाप। बहुत बढ़िया। हमने कहा आप भी बोलूंगा, हमने कहा आप भी बोलूंगा महाराज, पहले आपके यहां होने का पता तो चल जाए राज। उधर से जवाब आया किसे बताएं किस लिए होती सर में खाज, मेरी बिल्ली कह गई मुझसे म्याऊं आज। ओहो। हमने कहा अरे ये तो
दोहा हमारे पिताजी ने है लिखा। हमने कहा महाशय जरा कैमरा ऑन करके अपनी शक्ल दे दिखा। उधर से जवाब आया, मुर्गी कैसे दूध दे, बकरी कैसे बांग, अच्छा जो कुछ जिसके पास है उससे वही मांग। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने कहा ये दोहा सुन के भाव विभोर हो गया है हमारा दिल, ओ मेरी नालायक औलाद अपने कमरे से बाहर निकल और आके हमसे मिल। अच्छा हमारा बेटा बोला, आपने कैसे पहचाना, मैं ही हूँ ये कैसे जाना। हमने कहा हमारे पिताजी का ये दोहा कहीं छप नहीं पाया था, क्योंकि ये दोहा उन्होंने हम दोनों को अपनी मृत्यु शैया पे सुनाया था। क्या बात। इसके बाद हम दोनों पिता पुत्र ने मिलके किया मेरे पिताजी को याद, जिन्हें सोच के दिल भराता है ऐसे लम्हे जीवन में चुनिंदा हैं। मेरे बेटे के कारण मेरे पिताजी आज भी सोशल मीडिया पे जिंदा हैं। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया तुक, बहुत अच्छा, क्या बात है यार। एक अनूठे विषय से तुमने एक कविता निकाली कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे पिता का प्रोफाइल बनाया और उनकी यादों को जिंदा किया। सचमुच यादों को जिंदा ऐसे ही रहना चाहिए, और ये सोशल मीडिया पे जो फेक प्रोफाइल है ये बड़ा गड़बड़ मामला है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को रोते हुए, आजकल तो ये इमोजीज यार भावनाएं खत्म हो गई, बस रोती हुई शक्ल बना दो, हंसती हुई शक्ल बना दो, दिल बना दो। ये दिल से पता भी नहीं चलता कौन सा वाला दिल है, मालूम तो चले कौन, लिखना चाहिए ना ब्रैकेट में कि उस टाइप का दिल दे रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला। वो लाइक में भी वही दिल है और नॉर्मल में भी वही दिल है, तो आदमी कैसे डिफरेंशिएट करेगा। वो एक दोस्त ने रोती हुई इमोजी भेजी दूसरे दोस्त को, उसने कहा क्या हुआ, क्या होना था, तेरी 17वीं भाभी भी लड़का निकली। उस नव युवती को सुनने के लिए जिसमें प्रतिभा का अकूत भंडार है और जो आने वाले कल की एक बड़ी स्टार है, मणिका दुबे। देखिए उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पर हमें प्रेम जरूर होता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके उम्र के हर पड़ाव पे होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें कभी प्रेम नहीं हुआ, झूठ बोलते हैं, वो झूठ कहते हैं। हमने साइंस में पढ़ा है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, प्यार का भी कुछ ऐसा ही है। अनलाइक पोल्स मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बिल्कुल अलग तरीके के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ही मेरा एक गीत है, एक प्रेमी है एक प्रेमिका है, एक का दिल बहुत मजबूत है और एक का दिल नाजुक है। तो मजबूत दिल वाला व्यक्ति अपनी प्रेमिका से या अपने प्रेमी से क्या कहता है जिसका दिल बहुत नाजुक है। क्या बात है, मैंने कहा सुना है। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, वाह बढ़ेगा, वाह वाह। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल। जलन की पंक्तियां हैं या इनसिक्योरिटी और पजेसिवनेस की पंक्तियां हैं, पर मेरा ये मानना है कि जिस रिश्ते में हक ना हो तो वह रिश्ता कैसा। सुनिएगा, लड़कियां यहाँ पर हैं, आप सुनिएगा। पूरा का पूरा दिल मेरा, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा
मुझको हासिल तुम्हारा फूलों सा ये दिल तुम्हारा फूलों सा ये दिल तुम्हारा फूलों सा ये दिल तुम्हारा फूलों सा ये दिल। क्या बात है, वाह 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 मणिका वाह। एक अद्भुत गीत, उतना ही अद्भुत प्रस्तुतिकरण और उतना ही अद्भुत प्रतिसाद, जो लोगों का प्यार मिला है, मोहब्बत एक कमाल का जज्बा है। मतलब जिसकी जिंदगी में कोई न भी हो और वो इस तरह के गीत सुन ले तो उसके भीतर मोहब्बत करने का भाव जग उठे। ये है कविता की ताकत, ये आपकी संवेदनाओं को ऐसा जागृत कर देता है कि आपको फिर से इंसान बना देता है। और आज के दौर में जब हम पत्थर हुए जा रहे हैं, मशीन हुए जा रहे हैं, कोई तो हो जो हमारी भावनाओं को जागृत करे, हमारी संवेदनाओं को जगाए, और वाह भाई वाह वही करता है। क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, यकीन मानिए आप सभी का दिल फूलों सा ही है, जिसमें इतनी मोहब्बत भरी है हमारे लिए, कविता के लिए, शायरी के लिए। और इस मोहब्बत को बस ऐसे ही बनाए रखिए ताकि हम आशीष कवि गुरु जैसे, मणिका दुबे जैसे और हरजीत सिंह तुक-तुक जैसे इन हीरों को खोज के लेके आए और आपके घरों में चमक बिखेर दें, ताकि आपके घर का रेशा रेशा कहे वाह भाई वाह।